अमिताभ बच्चन ने रविवार को संकेत दिया कि वे आंख की सर्जरी से ठीक होने के बाद जल्द ही कोरोना वायरस रोधी टीका लगवाएंगे। दरअसल इस महीने 78 वर्षीय अभिनेता ने अपनी आंख की सर्जरी के बारे में जानकारी दी थी और कहा था कि वे धीरे धीरे और कठिनाइयों से ठीक हो रहे हैं। पिछले सप्ताह बच्चन की दूसरी आंख की भी सर्जरी हुई थी। अमिताभ ने अपने ब्लॉग पर कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई और अपने आगामी फिल्म चेहरे के बारे में बताया। उन्होंने लिखा, वायरस के एक और प्रकार का भय सता रहा है, टीका अनिवार्य हो गया है और जल्द ही मुझे भी कतार में लगना पड़ेगा। जैसे ही आंख ठीक होती है तब तक दुनिया अजीब है। मनोरंजन जगत के कई सितारों ने अब तक कोविड-19 की वैक्सीन लगवा ली है। इनमें शर्मिला टैगोर, धर्मेंद्र जितेंद्र जैसे नाम शामिल है। साउथ सिनेमा की बात करें तो कमल हसन, नागार्जुन, मोहन लाल ने भी टीका लगवाया है। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। और इसी के साथ कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर के बारे में सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।